नमस्कार, मैं हूं शोभना गोस्वामी, आप देख रहे हैं लाइव खबर। भाजपा नेत्री ने अपनी ही पार्टी के एक नेता पर छेड़छाड़ और रेप के प्रयास का आरोप लगाया है, जिसको लेकर भाजपा नेत्री ने कोतवाली में आरोपी नेता के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां भाजपा नेत्री का आरोप है कि स्नातक वोट बनाने के नाम पर आरोपी नेता आशीष जैन उनके घर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा नेत्री के साथ छेड़छाड़ी की। वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुट चुकी है पुलिस। आशीष जैन नाम का लड़का है, बुढ़ाना सा ही है वो। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मेरा रेप करने तक की कोशिश की, मारपीट की मेरे साथ। मैं घर में अकेली रहा हूँ 15 दिन से। हमारे घर में वोट बम चल रही थी, वो बनवाने के पर्पज से आया था, तो उसे पता चला कि मेरे पति बाहर रहते हैं, वो यहाँ है नहीं। मेरे छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो मतलब किसी भी टाइम मेरे घर आता रहता था, उसने सोचा कि इसके पास तो कोई नहीं है या अकेली है, तो मतलब इसी पर्पज से वो रात के टाइम गया मेरे घर में। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश करी, रात के टाइम मेरे जेठ थे, उन्हें देखकर चला गया। फिर सुबह आकर उसने मेरे पर हमला करा, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मुझे टॉर्चर करा, मेरे साथ मार पिटाई करी। कोतवाली बुढ़ाने साहब को बता दिया गया है कि उसमें तहरे लेकर मिल गई है, तो उसमें जांच करा लेंगे। जांच करा के जो भी से तथ्य होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे वो। तो ये थी मुजफ्फरनगर से संवाददाता सन्नी धीमान की रिपोर्ट। देश और दुनिया जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव खबर।